बिहार सरकार ने नगर निकाय चुनाव को लेकर कई गाइडलाइन जारी नहीं की, लेकिन नगर निकाय चुनाव में अभी वक्त है। लेकिन अभी से ही नेता अपनी ताल ठोकने लगे हैं और इसी को लेकर मोतिहारी में उपमेयर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे इंजीनियर अजय कुमार आजाद ने कहा कि विगत कई वर्षों से मोतिहारी नगर पालिका का विकास नहीं हुआ, जो सबसे बड़ी चिंता है। हॉस्पिटल की हालत बेहद खराब है, शिक्षा की व्यवस्था खराब है और नगरवासियों को नाली की सुविधा बेहतर तरीके से नहीं मिल रही, जो सबसे बड़ी नगरवासियों के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने पत्रकारों को संबोधन में कहा कि आने वाले समय में मोतिहारी नगर निगम की जनता इन्हें मौका देने पर उपमेयर का चुनाव जीतकर सेवा करने का मौका देती है तो इनकी पहली प्राथमिकता क्षेत्रवासियों को बेहतर शिक्षा की व्यवस्था, हॉस्पिटल को बेहतर व्यवस्था, नालियों के समय पर सफाई को लगातार समस्याओं को दूर किया जाएगा। इस तरह से हम घोषणा करते हैं कि यदि हमें उपमेयर के लिए जनता हमें मौका देती है, चुनती है, तो निश्चित है कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या फिर जो सो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आपको एक इनोवेटिव वर्क देखने को मिलेगा जो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो भी है।